पुणे में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप 2023 के अहम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार जीत दर्ज की। कीवी टीम के सामने 358 रनों का टारगेट था, जिसके आगे सभी बल्लेबाज धराशायी हो गए। न्यूजीलैंड की ओर से कॉनवे ने 2, विलियंग ने 33, रचिन रविंद्र ने 9 और कप्तान लेथम ने केवल 4 रन ही बनाए। इसके साथ ही अफ्रीकी टीम पॉइंट टेबल में भी टॉप पर पहुंच गई है। क्विंटन डिकॉक विश्व कप के एक सीजन में 4 या उससे ज्यादा शतक बनाने वाले इतिहास के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। किसी भी वनडे वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका की ओर से एक एडिशन में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले वे पहले अफ्रीकी बल्लेबाज भी बन गए हैं। बतौर खिलाड़ी डिकॉक के नाम ये वनडे में 21वां शतक है। एक दिवसीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा शतक हाशिम अमला ने जड़े हैं, उनके नाम 27 शतक हैं। डिविलियर्स ने 25 शतक जड़े हैं, जबकि तीसरे नंबर पर डिकॉक आते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के बेताज बादशाह कहे जाने वाले क्रिकेट के भगवान को वानखेड़े स्टेडियम में एक खास सम्मान मिला है। सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया है और आज इसका अनावरण भी किया गया। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा सचिन तेंदुलकर स्टैंड के पास लगाई गई है। कार्यक्रम के दौरान सचिन के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां मौजूद रहे। भारतीय टीम ने मौजूदा वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन किया है और अब तक खेले गए सभी 6 मुकाबले जीते हैं। 6 मैच जीतने के बाद वनडे वर्ल्ड कप का 33वां मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच 2 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी। बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। वर्ल्ड कप में अब तक श्रीलंकाई टीम ने केवल 2 मुकाबले ही जीते हैं और वो पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पर है। लंका के लिए ये करो या मरो का मुकाबला होगा। वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद फैंस आतिशबाजी का मजा नहीं ले सकेंगे। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी होने वाले मुकाबले में ऐसा ही होगा। दोनों शहरों में खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से बीसीसीआई ने ये फैसला किया है। दिल्ली में वर्ल्ड कप का मुकाबला 6 नवंबर को खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तान के फखर जमा ने माना है कि भारत के खिलाफ मिली हार से पाकिस्तान का मनोबल गिर गया था। फखर जमा ने कहा कि भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा बड़ा होता है, ये हमेशा मायने रखता है, तो मैं झूठ बोलूंगा। अगर मैं कुछ और कहूं तो इसे झूठ माना जाएगा। भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार घरेलू टी20 टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम को उन्होंने क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यूपी से खेलने वाले भुवी ने गुजरात के खिलाफ खेलते हुए 4 विकेट हासिल किए, टीम को आखिरी 8 में भी पहुंचा दिया। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हारमिंसन का मानना है कि मोहम्मद शमी को नाकाबिल समझना गलत है। हारमिंसन ने एक इंटरव्यू में बताया कि शमी के पास स्विंग कराने की अद्भुत क्षमता है, वो कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 की रेस से बाहर होने के बाद आयरलैंड के कप्तान एंड्रयू बालबर्नी ने कप्तानी के पद से इस्तीफा दे दिया है। एंड्रयू बालबर्नी की कप्तानी में वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबलों में आयरलैंड का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। बालबर्नी ने व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी थी। अब उनकी जगह पॉल स्टर्लिंग को व्हाइट बॉल क्रिकेट का परमानेंट कैप्टन बना दिया गया है। वहीं एंड्रयू बालबर्नी टेस्ट में कप्तानी करते रहेंगे।